अस्सलामुअलैकुम जी। जैसा कि आप सबको पता है, कैनल प्रभारी की जो है अपडेट आ चुकी है और संडे को उसका टेस्ट है। तो कल हमारे पास 2 दिन बच गए हैं, फ्राइडे और सैटरडे। तो इसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखिए 50 नंबर की है हमारे पास जीके और 50 नंबर का है हमारे पास कंप्यूटर। तो वो जीके भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कंप्यूटर है। आप लोग सब कंप्यूटर के पीछे भाग रहे हैं, ये बात याद रखिएगा कि 50 नंबर का जीके भी आना है। तो जीके भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि कंप्यूटर है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों ने जितना भी पढ़ लिया है, आप उसको अब बस स्टॉप कर दें। अब आप आज रात से या फिर कल सुबह से आप लोग अपने जितने भी आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं, जितना भी डेटा आप लोगों के पास, उसको रिवाइज़ करें, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी होती है। हम लोगों को करते क्या है कि हम लोग रिवीजन नहीं करते और पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं, जितना भी मेटेरियल हाथ में आता है, और उसका रिजल्ट अल्टीमेटली ये होता है कि फिर हमें वो चीज़ें, पढ़ी हुई चीज़ें हमें याद नहीं रहती, भूल जाती हैं। ठीक है, तो इस हवाले से आज की जो हमारी वीडियो है वो सिर्फ जीके के ऊपर है। एवरीडे साइंस और इंग्लिश, उर्दू और जीके के हवाले में जितनी भी एमसीक्यूज़ हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बेसिकली ये रिवीजन क्लास है हमारी, ठीक है। इसमें हम रिवीजन करेंगे जितना भी डेटा हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें अगली वीडियो में हम कंप्यूटर भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो 2 वीडियो आ जाने वाली हैं, पहली ये और दूसरी है, हम दूसरी में कंप्यूटर होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बगैर वक्त जाए कि ये। अच्छा जी, सबसे पहले कि ओजोन लेयर इज़ प्रेजेंट इन, ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। उसके बाद एटमॉस्फेरिक लेयर, कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर है? मीजोस्फेयर। लोएस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्या है जी? लोएस्ट लेयर ऑफ अर्थ है जी हमारे पास ट्रोपोस्फेयर। अर्थ की 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, विटामिन B6 को क्या कहते हैं? विटामिन B6 को हम पेरिडॉक्सिन कहते हैं। ऑस्टियोमलेशिया किस वजह से? ऑस्टियोमलेशिया इज कास्ट बाय कास्ट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? विटामिन डी। ब्राइटेस्ट प्लैनेट इज वीनस। हॉटेस्ट प्लैनेट मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हमारे पास वीनस है, ठीक है। हम क्लोजेस्ट टू जो अर्थ है वो वीनस है हमारे पास। उसके बाद ओशन कवर्स अर्थ 70%, ओशन 70% अर्थ को कवर करते हैं, ठीक है। कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान है 1046 किलोमीटर। सिरोसिस, सिरोसिस जो है वो लिवर की डिजीज़ है हमेशा, ठीक है। कुछ लोग कन्फ्यूज़ होते हैं आई में, आई और लिवर के अंदर, तो ये आई की डिजीज़ नहीं है, लिवर की डिजीज़ है। अच्छा, ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट जो होती है वो विटामिन सी की वजह से होती है। अच्छा, ह्यूमिडिटी जो मैयर करने के लिए हाइग्रोमीटर होते हैं हमारे पास। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर और विंड स्पीड के लिए एनीमोमीटर। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फिर से सुन लीजिए। जो हमारे पास एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए, तो हमारे पास हाइग्रोमीटर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए बैरोमीटर, और विंड स्पीड मेजर करने के लिए हमारे पास जो होता है जी वो एनीमोमीटर होता है। स्टडी ऑफ स्टार्स हमारे पास एस्ट्रोनॉमी है। अच्छा, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम जो स्मोकर्स के अंदर होती है वो एम्फीसीमा होती है, ठीक है। अच्छा, लीस्ट पोल्यूटेंट गैस जो है हमारे पास क्लोरीन है। कूलिंग एजेंट जो हमारे पास है वो CO2 है। पैरामीशियम जो है कंटेंट्स 2 न्यूक्लियाई। पास पेपर्स में क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 2 न्यूक्लियाई, तो ये पैरामीशियम है, ठीक है। रेड लेक हमारे पास USA के अंदर है। मोहम्मद नाम 4 दफ़ा आया हुआ है, अहमद नाम 1 दफ़ा सूरह सफ में आया है। मोस्ट पॉपुलस प्रोवेंस हमारे पास सिंध है, याद रखिएगा, मोस्ट पॉपुलस प्रोवेंस हमारे पास सिंध है। ट्रैकोमा और मायोपिया और ऑप्थेमोलॉजी, ये हमारे पास आई की डिजीज़ के लिए यूज़ होते हैं। कौन सी? आइज़ के लिए यूज़ होते हैं हमारे पास। ये हमारे पास जीके की वीडियो हो गई कंप्लीट। इसमें हमने बहुत सारी, मतलब मैंने कवर जो किए हैं वो हैं 2021 और 22 और 23 के पेपर्स में से, जो जनरल साइंस के कुछ मेन मेन क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन थे वो मैंने कवर किए हैं, ठीक है। आज फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल में, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।